बायतू 18 को भरतपुर नागौर की विशाल सभाओं को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह 16 को टोंक और राजसमंद में 18 को बूंदी अजमेर जिले की विधानसभाओं में करेंगे प्रचार। अजमेर में अमित शाह का रोड शो भी होगा। गृहमंत्री अमित शाह गुरुवार यानी कि 16 नवंबर को टोंक जिले के देवली विधानसभा, राजसमंद के कुंभलगढ़ और भीम विधानसभा क्षेत्रों में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आगामी 18 नवंबर को बूंदी की हिंडौली विधानसभा और अजमेर जिले की मसूदा विधानसभा, नसीराबाद विधानसभा में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो अजमेर में होने वाले रोड शो के अंदर भी भाग लेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है और वो मारवाड़ के अंदर बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके लिए उन्होंने चुना है बायतू, जबकि गृहमंत्री अमित शाह राजस्थान के लगभग हर कोने में सभा करते हुए दिखाई दे जाएंगे। पूर्वी राजस्थान के कई हिस्से में वो लगातार प्रचार प्रसार करते दिखाई देंगे। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्या, मानकर चले कि दिवाली के बाद बीजेपी अपने दोनों टॉप लीडर के साथ राजस्थान पर पूरे तरीके से हावी होने की तैयारी कर चुकी है, और ये बताइए, प्रधानमंत्री ने बाड़मेर को चुना है और गृहमंत्री ने लगभग पूर्वी राजस्थान को चुना है, उसके पीछे की रणनीति क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी संभाग स्तर पर फोकस करना चाह रहे हैं कि हर संभाग की एक बड़ी सभा करवा दी जाए और संभाग के जो जितने भी विधायक प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों को बुलाकर, उनके समर्थकों को बुलाकर, कार्यकर्ताओं को और जनता को बुलाकर एक सीधे तौर पर एक संदेश दे दिया जाए और उस संदेश के माध्यम से बता दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न क्या है, और वो नीचे तक एक जब मैसेज जाएगा तो स्वाभाविक रूप से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि देश के सबसे बड़े चेहरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अमित शाह चूंकि बहुत अच्छे रणनीतिकार माने जाते हैं, तो अमित शाह जब रणनीतिकार अच्छे हैं तो पूर्वी राजस्थान में भी अमित शाह रणनीति बनाकर जाएंगे, और ऐसे में रणनीति कोई ऐसा नहीं कि सभा को संबोधित करने के बाद जो वोटर हैं वो आपके साथ मजबूत तरीके से जुड़ जाएं, उसके बाद भी रणनीतिक रूप से कुछ चीजें हैं वो सेट करनी पड़ती है। जब रणनीतिक रूप से पार्टी पूरा दम लगाएगी और ताकत लगाएगी तो तय मानकर चलिए कि चुनाव में उसका फायदा होना लाजमी है। हालांकि जीत हार का हम यहाँ पर आकलन नहीं कर सकते, कौन सी पार्टी बड़ी विजय हासिल करेगी, कौन सी हार जाएगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। ईश्वरी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो एक तरफ हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो, यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा, हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।